नमस्कार दोस्तों, आज 14 सितंबर हिंदी दिन। बच्चों, हर साल 14 सितंबर यह हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है हर साल कि 14 सितंबर भारत के इतिहास की एक गौरवपूर्ण तिथि है। 14 सितंबर 1949 में स्वतंत्र भारत ने हिंदी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी को राष्ट्रलिपि घोषित किया। स्वतंत्र भारत में आजादी के बाद संविधान भी ये घोषित किया है, इसलिए हर साल 14 सितंबर यह दिवस जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस हिंदी दिन के अवसर पर विविध प्रतियोगिताएं रखी जाती है। चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता हमने इस साल भी रखी है। बच्चों, प्राचीन काल से भारत देश को हिंदी के प्रसार के लिए संतों का बड़ा महत्व मिला है, समर्थन मिला है। जैसे संतों का हिंदी प्रसार के लिए समर्थन मिला है, उसी प्रकार से जन समुदाय ने भी हिंदी प्रसार और प्रचार के लिए समर्थन किया है। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, विनोबा जी भावे, इन जैसे नेताओं ने हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है। हिंदी यह भाषा जो है ये आसान लगती है, लेकिन बोलने के लिए कठिनाई होती है, लिखने के लिए कठिनाई होती है, लेकिन ये देश की व्यावहारिक भाषा है। और इसी दिन जो है हमें पखवाड़ा रखना चाहिए, हिंदी में बात करना है घर में बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ। अभी हमारा ऑनलाइन कार्यक्रम है, स्कूल में नहीं है। ऑनलाइन की वजह से ये हमें इस प्रकार की प्रतियोगिता जो भी है वह भी ऑनलाइन है। बच्चों, जिस प्रकार से भारत देश की आज़ादी का और कारगिल का प्रश्न जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही पूरे भारत देश में हिंदी भाषा का बोलबाला करना ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने कहा है कि हिंदी भाषा के बिना राष्ट्र भूखा है। हर एक देश की अपनी अपनी भाषा होती है, हर एक राष्ट्र की अपनी अपनी भाषा होती है, और अपनी भाषा में ही व्यवहार करना जरूरी होता है। हर एक कार्यालय में जाइए, विदेश में जाइए, बाहरी राज्य में जाइए, अगर हमें वहाँ की भाषा नहीं आती है, लेकिन हम हिंदी में अगर वार्तालाप करें, क्योंकि हिंदी जो है पूरे विश्व में बोली जाती है, हमें अंग्रेजी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, लेकिन मराठी आती है तो मराठी सामने वाले को समझ में नहीं आती, अंग्रेजी सामने वाले को समझ में आती है तो हमें आती नहीं है, गंभीर प्रश्न समस्या निर्माण होती है। ऐसे समय अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में बात करते हैं, इसलिए हिंदी बोलना जरूरी होता है, हिंदी का प्रचार करना जरूरी होता है, हिंदी का प्रसार करना जरूरी होता है। हमारी दो भाषा है, एक अपनी राष्ट्र की भाषा होती है, हमारी राज्य की भाषा होती है, और दूसरी भाषा जो है वह एक व्यावहारिक भाषा होती है जिसे हिंदी भाषा कहा है। इसीलिए दोस्तों, हिंदी दिन के अवसर पर हमें हिंदी में ही बात करनी है, हिंदी में ही किसी से वार्तालाप करना है। और हिंदी दिन जो है हर साल जैसे स्कूल में मनाया जाता है, इस प्रकार से जिस साल स्कूल में भले ही नहीं मनाया, लेकिन ऑनलाइन जो है ये ऑनलाइन हिंदी दिन का समारोह जो है वह किया जा रहा है। सभी बच्चों उसका ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।